क्या नाम लिखते हो? चंदू मौर्य। कहाँ का रहने वाले हो? टिकरा लौंगा में। चंदू, अभी आपने दो लड़कियों से शादी की, क्या है पूरा इसके पीछे किस्सा? जो पहले काम करने गया था एरंडवाल में, तो कपाल में, तो सुधरी है ना, जो बात की मेरे को, तो बोली मैं बात करूंगी, ऐसा ऐसा बोली। तो गांव में भी शादी हो गया था, तो वो भी गांव में आई थी। वो भी कौन आया था गांव में? करजी की लड़की आई थी। तो वो बोली मैं भी बात करूंगी, बोली। तो मैं बोला चल ठीक है, मैं तो उसको भी बात कर रहा था, बोली चल ठीक है ना, बात करो, तो जो पहले आएगी वही उसी को रखना, बोली। तो मैं बोला चलो ठीक है, बोला। तो पहले करजी की आ गई, उसके बाद एरनवाल की आ गई। फिर दोनों रहते थे गांव घर में, तो एक को खींच को ले गए थे घर में, एंडो वाले। तो फिर वो भाग के आई, फिर दोनों को रख दिया मैं। उसके बाद फिर एक साल के बाद शादी किया हमने। तब एक साल होने को है, आप दोनों लड़कियां आपके साथ रहती, तब आगे क्या करने का सोच रहे हो? आगे का तो नहीं सोचे थे। और खुश है? हम लोग तो कैसी खितानी किसानी करते हैं, और इसी में जिंदगी बिताते हैं। तो दोनों लड़कियां आप लोग खुश हो? सब खुश। तो दोनों लड़कियों को दिक्कत नहीं आपस में रहने में आपके साथ? नहीं। और पंचायत वाले? वो लोग भी सब सहन कर। तो शादी में कितने लोग आए थे आपके? 600 लोग आए थे। तो उनके परिवार भी आए थे लड़की के? एक जन का आए थे, एक जन का नहीं आए। पानी तो नहीं है। हेलो, क्या
हसीना कहाँ के रहने वाले थे हसीना आप? करण जी। तो आप चंदू के साथ शादी किए, कैसे किए? लोहंगा में, टिकरा लोहंगा में शादी घर में आई थी। वहीं से वहाँ पर परिचय कैसे हुआ? इसे देखी तो पहली नजर में। ठीक है, तो अभी एक साल होने को है, कैसे रह रहे हो आप लोग? अच्छा। हेलो, सब लोग मिल के काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मिल के काम कर रहे हैं। जा कटा कटा बस बस तो ढूंढ ला। कहाँ के रहने वाले थे आप? तो आपने चंदू से भी शादी की है, कैसे हुआ आप लोगों का शादी? ऐसे गांव में गए थे काम करने, तो वहीं से देख के बात की थी, बातचीत चल रहा था, फिर ना प्यार हो पूरा की और ना फिर रहने के लिए यहाँ आ गए। तो आपके साथ जो है एक और है हसीना, जिससे शादी की है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं? तो आप लोग कैसे साथ में रहते हो, कैसे रहते हो? साथ में रहते हैं। क्या कर रहे हो तो अभी? अभी कुछ नहीं करते, बाद में वो खेती बाड़ी को पूरा मिल के काम करेंगे। तो अभी एक साल हो गया, कोई तकलीफ आप लोगों को? नहीं, साथ में रह रहे हो। हाँ।